जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राम मिश्रा, और हमेशा एक प्रयास रहता है कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आएं, आपको वो महत्वपूर्ण जानकारियां दें जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको प्रयास करने हैं, जो आपको प्लानिंग करनी है, वो पूरी तरह से कर पाएं। ग्रहण जब भी लगता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है। इसलिए जब हम सूर्य ग्रहण को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सिर्फ एक कंट्री के अंतर्गत नहीं होता है, पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत उसका प्रकाश पड़ता है। पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, और इवन मानव पर ही नहीं, अगर प्रकृति पर भी बात करें तो सूर्य का एक विशेष प्रभाव रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होने जा रहा है, 30 तारीख को ध्यान रखिए, 30 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 30 तारीख को रात्रि में जो है वो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी शनिवार की रात्रि को सूर्य ग्रहण लगेगा, और 1 मई की रात्रि मतलब 30 मई की मध्य और 1 मई की मॉर्निंग जो है ये ग्रहण का टाइम कहीं ना कहीं 30 अप्रैल का मध्य और 1 मई का जो मॉर्निंग है ये ग्रहण का कहीं ना कहीं समय होगा। ये ग्रहण इस बार विशेष रूप से अगर लेकर के देखा जाए, क्योंकि शनिवार की मध्य रात्रि को लगने जा रहा है, और उससे पहले 29 अप्रैल को शनि अपने राशि को परिवर्तित कर चुके होंगे, निश्चित रूप से ये ग्रहण एक विशेष प्रभाव लेकर के आने वाला है सभी के लिए। ध्यान से सुनिएगा इस कार्यक्रम को, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सुनने के आप इच्छुक होंगे। किसके लिए ये लाभ देने वाला होगा, किसके लिए इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है। क्या सावधानियां ग्रहण में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार जो ग्रहण का टाइम होगा वो 30 तारीख को मध्य रात्रि 12:16 पर, ध्यान रखिए 30 तारीख की मध्य रात्रि 12:16 पर प्रारंभ होगा। समाप्ति काल 1 मई की मॉर्निंग 4:08 पर समाप्त होने जा रहा है, यानी अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये 1 मई का ही ग्रहण कहा जाएगा कि 1 मई को अर्ली मॉर्निंग 12:16 पर ये ग्रहण प्रारंभ होगा, और 4:08 पर ये ग्रहण रात्रि में यानी मॉर्निंग में ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये ग्रहण होने वाला है। अब वास्तविकता में ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखने वाला है आपको बताना चाहता हूँ। भारत में क्योंकि उस टाइम पर रात्रि होगी, रात्रि में ये ग्रहण लगने के कारण किसी भी प्रकार का जो प्रभाव जो हम जनरली महिलाओं के लिए होता है कि जो भी प्रेग्नेंट महिला हैं उनको कुछ सोना नहीं है, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, जो ये बहुत सारी बातें होती हैं, ये किसी भी प्रकार से लागू भारत पर नहीं होंगे। किसी भी मंदिर के कपाट इत्यादि क्योंकि इस टाइम पर वैसे भी बंद रहेंगे, जनरली उसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। तो भारत में भोजन को लेकर के, या जैसे भोजन ना बनाने का या ना खाने का, ये बहुत सारे नियम है ग्रहण के अंतर्गत, तो उस प्रकार के कोई भी नियम क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं होगा इस कारण से लागू नहीं होता है। तो आखिर ये नियम फिर लागू कहाँ पर होगा, और जहाँ पर ये ग्रहण नहीं भी होगा वहाँ पर क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये खग्रास सूर्य ग्रहण है। ध्यान रखिएगा ये खग्रास सूर्य ग्रहण है, और ये वैशाख अमावस्या को लगने जा रहा है। शनिवार को जनरली ग्रहण अमावस्या को ही लगता है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा उत्तरी सुदूर के अंतर्गत, जहाँ जहाँ रहेगा प्रभाव मैं उस जगह को बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से नोट कर लीजिए ताकि वहाँ पर आप सावधानी रख पाएँ। उत्तरी सुदूर अंटार्कटिका, दक्षिणी अमरीका, उसके साथ अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, बोलविया, उर्गवे, सुदूर दक्षिणी प्रशांत, अटलांटिक महासागर, इन जगहों पर जो है इस ग्रहण का प्रभाव पूरी तरह से पड़ने वाला है। अब जहाँ जहाँ पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है उन लोगों को क्या करना चाहिए, जहाँ पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है उनको क्या करना चाहिए, जहाँ पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, स्पेशली हम भारत की बात करते हैं या अदर कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पर सुबह आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद कोई भी लाल चीज़, जहाँ ग्रहण का प्रभाव नहीं वहाँ की बात कर रहा हूँ, कोई भी लाल चीज़ आपको निश्चित रूप से दान कर देनी है। जहाँ पर ये ग्रहण पड़ रहा है वहाँ के लोगों को क्या करना है,
आपको वहाँ पर एक तो ग्रहण के समय पर स्पेशली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको सोना नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, कुछ काटना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है, तेज आवाज में बात नहीं करनी है, जोर से तेज आवाज में टीवी इत्यादि आपको नहीं देखना है। तो इन सारी व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहनना है जिसमें नाड़ा इत्यादि लगा हो, या उस टाइम भोजन नहीं पकाना है, या उस टाइम भोजन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो भोजन बना हुआ है उसके अंदर गंगाजल तुलसी का पत्ता डाल करके रखें, पॉसिबिलिटी हो तो सभी लोग इस टाइम पर बैठ करके भगवान के नाम का स्पेशली स्मरण करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब ये जानकारी आपको जरूर चाहिए होगी कि कौन सी राशि के लिए ये ग्रहण किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है। मेष राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव खराब रहने वाला है, चोट और दुर्घटना के संयोग हैं। वृष के लिए व्यापार में लाभ देने वाला संयोग होगा। मिथुन के लिए कार्य क्षेत्र में हानि का संयोग दिख रहा है। कर्क राशि के लिए दुर्घटना का संयोग है। सिंह राशि के जातक जातिका के लिए मानसिक अशांति देने वाला होगा। कन्या राशि के लिए पारिवारिक कलेश देने वाला होगा। तुला राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो लाभ प्रदान करने वाला होगा। वृश्चिक राशि के लिए आपस में पारिवारिक बैर कराने वाला होगा। धनु राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण काफ़ी लाभ देने वाला है, यश और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। मकर राशि के जातक जातिका को लंबी यात्राएँ कराने वाला होगा। कुंभ राशि की जातक जातिका हैं, अचानक बहुत घाटा होने वाला है, और मीन राशि की जातक जातिका के लिए ये ग्रहण लाभप्रद होगा। तो इस प्रकार जो 12 राशि के दर्शक हैं उनको इस ग्रहण का प्रभाव इस प्रकार पड़ने वाला है। अच्छा, अब क्या करें जहां पर ग्रहण पड़ रहा है। एक तो ग्रहण के समय, ग्रहण के बाद नहाने के पानी में गंगा जल डालना है, गंगा जल डाल करके स्नान करना है, स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का श्रद्धा से जप करना है, और उसके साथ एक कांसे की कटोरी में घी डाल करके और उसके अंदर अपना फेस देखना है। कांसे की कटोरी के अंतर्गत घी डाल करके उसमें अपना फेस देखना है। फेस देखने के बाद सूर्य को जल अर्पण करना है और कुछ चीज़ें लेकर के किसी गरीब व्यक्ति को दान करके अपने दिन को आगे चलाना है। तो परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए नए प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, तो आप लोग सदैव जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।